Hi everyone, this is Jinesh Shuta here and welcome to our video of accounts. So students, in this particular video, we're going to start with the next sum, that is sum number 2, which is given to us on page number 208. The chapter we are dealing right now is bank reconciliation statement, and the sum is being taken from state board, Maharashtra state board textbook. Okay students, so aaiye shuru karenge, main aapko ek sum bataunga acche se properly. And before coming on the sum, I want you guys to please subscribe to our channel and like our video. So, aaiye guys, students, shuru karenge. Main aapko yahan par exactly sum bata dun. You can see page number 208. Yahan pe aapki screen ke samne diya hua hai, students. Okay, 208. Aur yahan pe sum number 2 hai. From the following extract of cash book and passbook, prepare bank reconciliation statement. To hume kya karna hai? Bank reconciliation statement banana hai. So, students, jab bhi sum shuru karenge, the first thing that you need to see ki iska period kaun sa hai. Ye 2019 March hai. और ये 2019 अप्रैल है स्टूडेंट्स, तो बताओ ये कॉमन पीरियड है या अनकॉमन पीरियड है? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, ये अनकॉमन पीरियड है. तो अनकॉमन पीरियड में किसको कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स? सिर्फ और सिर्फ कॉमन आइटम्स को कंसीडर करेंगे. आइए मैं आपको रूल्स बताता हूं अच्छे से. यू कैन सी द रूल्स ऑन द स्क्रीन. लिखा यहां पर, व्हेन एक्स्ट्रा ऑफ कैश बुक एंड पासबुक इज गिवन फॉर द अनकॉमन पीरियड, कॉमन आइटम शुड बी कंसीडर्ड. ओके, और कॉमन आइटम में क्या होगा? क्रेडिट को प्लस करेंगे और डेबिट को माइनस करेंगे. चलो ग्रेट. तो स्टूडेंट देखो, अब सम की शुरुआत कहाँ से करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. तो मैं आपके लिए उसके लिए एक ड्राइंग बनाने वाला हूँ. चलो तो स्टूडेंट्स, ये देखो, ये समझो कि हमारा ये है. वन सेकेंड. ये हमारा कैशबुक है और ये हमारा कैशबुक हो गया समझो, और ये हमारा हो गया पासबुक. ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैशबुक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज माई कैशबुक, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ फिलहाल ये हमारा है पासबुक. ओके, अब स्टूडेंट्स डेट लिख लेते हैं यहाँ पे. ये हमारा मार्च है, मार्च 2019 है स्टूडेंट्स. तो ये हमारा और क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारा अप्रैल 2019 है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैन आई से कि इसका जो क्लोजिंग रहेगा वो इसका ओपनिंग का मैच होना चाहिए. द क्लोजिंग ऑफ मार्च हैज टू बी ओपनिंग ऑफ अप्रैल. डू यू अग्री विद दिस? क्लोजिंग ऑफ वन मंथ शुड बी ओपनिंग ऑफ अनदर मंथ, ऑफकोर्स. तो स्टूडेंट्स चेक करते हैं यहाँ पे क्लोजिंग कितना दिया, 64,200, और इसका ओपनिंग कितना है, 86,400. तो स्टूडेंट्स जरा भी मैच नहीं हो रहा है, तो बहुत गड़बड़ है गया, बहुत गड़बड़ है यहाँ पर. तो चलो, तो इसकी गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए हम सम सॉल्व करने वाले हैं. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? अनकॉमन पीरियड में कॉमन आइटम को कंसिडर करेंगे. तो आइए देखते हैं कौन से कॉमन आइटम दिए हुए यहाँ पर. मैं चेक कर रहा हूँ दोनों को कंसिडर कर रहा हूँ. यहाँ पे 18,000 तो नहीं है. धनंजय का 14, ओके 10,000 नहीं. हाँ, तो स्टूडेंट्स 10,800, मिनल का 10,800 और ये मिनल का 10,800, ये कॉमन है. और 24,000 भी नहीं है. 14,700 प्रसाद, और यहाँ पे 14,700 प्रसाद, ये दोनों भी कॉमन है स्टूडेंट्स. ओके, सिर्फ कॉमन आइटम को कंसिडर करना है. अब हम क्रेडिट साइड जाएंगे. कैशबुक के क्रेडिट में कौन सा ऐसा दिया है जो यहाँ पे कॉमन है? लेट मी जस्ट सी. यस, निशान 27,600, और ये निशान 27,600 कॉमन है. और कौन सा है स्टूडेंट्स? लेट मी जस्ट सी. मानसी का 20,100, और ये मानसी का 20,100, ये भी कॉमन है. मतलब स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड में दो और डेबिट साइड में दो कॉमन है. तो क्या करेंगे? क्रेडिट को प्लस करना है, डेबिट को माइनस करना है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम की शुरुआत कहाँ से करेंगे स्टूडेंट्स? तो सम की शुरुआत करेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैशबुक से, और ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ पासबुक. ये आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है. बच्चे लोग कंफ्यूजे हो जाते हैं, एकदम कंफ्यूजा हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि भाई कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ खत्म करना है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनकॉमन पीरियड में शुरू करेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैशबुक से, एंड डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ पासबुक. चलो बच्चे लोग आइए, तो अब हम शुरू करेंगे. ये हमारा सम नंबर 2 है जो आप देख सकते हो पेज नंबर 208 के ऊपर. शुरू करेंगे बैलेंस एज पर कैशबुक, वहां पे 64,200. यस, देखिए चाहिए तो चेक कर लीजिए वापस जाके. यस, 64,200. आई कैन सी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैशबुक 64,200 है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्रेडिट में था, मुझे लगा कि मैंने पेमेंट कर दिया है. कौन से महीने में? मार्च के महीने में मैंने पेमेंट किया था स्टूडेंट्स. क्या लेकिन मार्च के महीने में वो मेरे पास से पैसे कट हो गए? नहीं, देखो मैंने चेक इश्यू किया था मार्च के महीने में, लेकिन वो कट कब हो रहा है? अप्रैल के महीने में. वो कब रिफ्लेक्ट हो रहा है? अप्रैल के महीने में. तो मार्च के महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, मार्च के महीने में क्या हुआ था? मैंने चेक तो इश्यू किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक के मार्च के महीने में चेक इशू किया लेकिन पैसा कट नहीं हुआ था मार्च के महीने में, वो अभी भी मेरे पास पड़ा था मार्च में.
इसलिए इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एंड सिमिलरली अब डेबिट में जो दो अमाउंट कॉमन थे स्टूडेंट्स, उसमें क्या है, मैंने मार्च के महीने में उस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया था, लेकिन क्या मार्च के महीने में वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आया? नहीं। हम किसकी बात कर रहे हैं, दो यहाँ पे दो था ना, 1400 और कौन सा 10,800। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों मैंने मार्च के महीने में चेक डिपॉजिट किया था, बट अप्रैल के महीने में पास हुआ। तो मार्च के महीने के पॉइंट से सोचिए, चेक डिपॉजिट तो किया था बट नॉट कलेक्टेड फ्रॉम द बैंक। तो बेसिकली चेक उस वो पैसा मेरे पास बैंक में मार्च के महीने में आया ही नहीं, तो उन दोनों को माइनस कर देंगे बिकॉज वो पैसा मेरे पास नहीं आया है। तो स्टूडेंट्स, हमने सम की शुरुआत की क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक से, इन दोनों अमाउंट को ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया? बिकॉज वो पैसा मार्च के महीने में कट नहीं हुआ है, तो वो हमारे पास पड़ा है अभी भी, तो प्लस हो जाएगा। और ये दो अमाउंट स्टूडेंट्स मुझे लगा था कि मेरे पास आ गए, लेकिन अब तक नहीं आए, मार्च के महीने में नहीं आए, तो स्टूडेंट्स उनको हम माइनस कर देंगे। और फाइनली हमारा जो अमाउंट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आप चेक कर सकते हो, 86,400 हमारे पासबुक का ओपनिंग बैलेंस भी 86,400 है। एंड इसी तरह से आपका ये सम हो गया करेक्ट। तो आप फॉर्मेट देख लो, यू आर गेटिंग योर मार्क्स फॉर द फॉर्मेट ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेट के लिए मार्क्स मिलने वाला है। कॉमन अनकॉमन पीरियड में कॉमन आइटम को कंसिडर करना है, सम को शुरू कहाँ से करेंगे, सम को खत्म कहाँ करेंगे, ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सम समझ में आया हो। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी, यू कैन पुट अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई हैव ऑल्सो शेयर यू माई नंबर, यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, यू कैन कॉल मी अप स्टूडेंट्स, आई विल मेक श्योर टू सॉल्व योर क्वेरी एज मच एज पॉसिबल। एंड थैंक यू सो मच। आपको अगर सम थोड़ा भी समझाओ तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल, सारे दोस्तों को बता दो, काफी अच्छा चैनल है, काफी अच्छे अच्छे वीडियोज भी है स्टूडेंट्स। एंड इफ यू वॉन्ट मी टू मेक वीडियोज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और चैप्टर, यू कैन लेट मी नो ऑन दैट इज वेल। यप, सो अलविदा गाइज, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, इट वॉज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।